इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तो बेटे ने कहा कि ये जनक जी महाराज पहचान नहीं पाए। अरे भाई देखो, समझदार वो है पहचान ले और कुर्ता न खींचे। ए ए, कई लोग तो पहचान लेते हैं तो कुर्ता भी खींच देते हैं। ए प्रेम भूषण जी सुन रहे हैं, चले जा रहे हैं तो पकड़ के खींच देंगे यहाँ से। भैया बताओ, आप अंदर क्या होता आपको पता ही है। हाँ बताओ। ए, विवेकी व्यक्ति पहचानता है तो भी बताता है। शिव बाबा शंभु समय ते ही राम ही देखा, सोचने लगे ये क्या, ये तो भगवान लीला अवतार कर रहे हैं। फिर जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज न सावन। भगवान शिव गए नहीं, दूर से ही प्रणाम करके चले आए। सती जी को मोह हो गया। जनक जी महाराज पहचान गए थे लाला। विश्वामित्र जी जैसे बोले, चक्रवर्ती जी महाराज के पुत्र हैं ये, यज्ञ रक्षा किए, अहिल्या जी का उद्धार किए, यहां यज्ञ दर्शनार्थ आए हैं। न पहचानते तो वीवीआईपी गेस्ट हाउस में क्यों रोकते। जानते हैं ये क्या है, कौन है। ब्रह्म ही अहिल्या जी का उद्धार करेंगे, ऐसा आशीष उनको मिला था, ऐसा वो जानते हैं। शतानंद जी महाराज जो कुल पुरोहित हैं, इन कुल पुरोहित महाराज जी की ही श्रीमाता जी हैं अहिल्या जी, तो यहां से वहां खबर तो पहुंच ही गई, तो जानते हैं। भक्त जानता सब है लेकिन छिपा के रखता है, प्रत्यक्ष नहीं करता है। ईश्वरानुभूति बताने की नहीं है, छिपाने की है। यह रस लीला तन भगवान ने धारण किया है तो इसका विस्तार क्यों करना। अंदर बाबा वाल्मीकि जी ने स्पष्ट किया, लेकिन कब किया, जब श्री सीताराम जी दोनों अकेले मिले। कहा ना, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। ये कहा, राम स्वरूप तुम्हार वचन यगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नित निगम नित्य न इति न इति इति वेद बदंति न दंत कथा। वेद भगवान बोलते हैं, आपका कोई पार नहीं। ये ब्रह्म जमाता अस्तु विदा नहीं कर रहे हैं, जनक जी राम जी का दर्शन कर रहे हैं। अभी आगे आएगा जनक जी जो परमात्मा श्री राम के प्रति कहते हैं, आगे आएगा। देखिए, रिश्ते बनाए नहीं जाते हैं, रिश्ते बन के आते हैं। नीचे कोई बना नहीं सकता, मिलना जुलना बिछुड़ना ये सब जगजाल हम आप नहीं बनाते। हम जिससे चाहते हैं उससे हमारा रिश्ता बन के रहता नहीं है, और जिससे नहीं चाहते हैं उसके साथ रिश्ता पक्का बन जाता है। ये क्या है, अर्थात
रिश्ते धरा पर बनाए नहीं जा सकते, रिश्ते ऊपर वाला बना करके हमको विदा करता है। भगवान के गुण लीला नाम धाम जिसमें एक में हमारी रुचि हो उसका हम आश्रय करें। अब स्पष्ट होकर यह मानकर जानकर कि हम ठीक जा रहे हैं चलते रहना चाहिए। मार्ग ठीक है ऐसा विश्वास होना ही चाहिए। भक्ति में विश्वास अनिवार्य है। महाराज विदा चाहते हैं, भक्त विदा नहीं कर रहे, समय नहीं। चक्रवर्ती जी महाराज से कोई ज्यादा व्यस्त है क्या है? बहुत बिजी है। कोई बिजी वजी नहीं है जी, कोई बिजी नहीं है, हम तो मानते नहीं, बहुत बिजी है। लापरवाह आदमी बहुत व्यस्त रहता है, बहुत व्यस्त रहता है। उसका कुछ सेट नहीं, सब अपसेट है, तो बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त है। चारपाई पर भोजन कर लेगा, यहीं ला दो। चारपाई पर जो भोजन करता है ना, धीरे धीरे भगवान उसको प्रकृति चारपाई लायक बना देती है, इसी पर खाते रहना। हर काम का जगह निश्चय रखो। अभी दिल्ली में कुछ कह गए थे हम, तो हमारे कई मित्रों का शिकायत, आपने दिल्ली वालों को ऐसा कहा। कल थोड़ा लखनऊ के बारे में निकला तो कई लोगों ने कहा लखनऊ वालों के लिए कह दिया। लखनऊ वालों को हम चाहे जो कह सकते हैं, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हाँ, सब जानते हैं महाराज क्या कह रहे हैं सब। वैसे हम इस विषय में विवादित हैं, लखनऊ वालों का बहुत, तो आप जानते हो कहना ठीक नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये प्रसंग कहता है चक्रवर्ती जी महाराज कितने व्यस्त हैं। इंद्र पर भी आफत आती है तो चक्रवर्ती जी महाराज को जाना पड़ता है, देवराज इंद्र। अब वो महाराज एक महीना ब्याह में रह गए हो, 15 दिन पहले अब 15 दिन बाद ले। एक पक्ष पहले एक पक्ष बाद। यहां देखिए, दिन बुठ बेदा अवध पति मांगा, दिन बुठ बेदा अवध पति मांगा, सहित अनुराग जनक सहित अनुराग, जनक सहित अनुराग, जनक सहित अनुराग। अब बताइए, नित उठते ही चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं अक्षत पीड़ा भेजिए। तो अक्षत पीड़ा भेजने की जगह जनक जी आकर के पैरे टेक लेते हैं, नहीं महाराज आज नहीं, महाराज कल जाइएगा, कल। कल जाइएगा। बुरा न मानो तो एक मीठी बात कह दूं, कब तक रहना चाहिए और कब नहीं रहना चाहिए कह दूं, फिर आप कहेंगे महाराज तो हमारी बात गड़बड़ हो जाएगी। कह देंगे तो हम डरते हैं क्या, कह दें। जब थाली में सब्जी रिपीट होने लगे तब चले जाना चाहिए। Ha 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 ha
आप दिल पर न लगाना भाई, मेरा तो आनंद रहता है। मतवा कहाँ है? तो मैं ये बात कानपुर घर पर भी कहता हूँ, इसलिए पूछा जाता है आज क्या बनेगा, जो इच्छा बना लो। परंतु ये वहां भी लागू होता है, रिपीट भाई कि हम घर छोड़े। हाँ बताओ ना, आप कोई गलत थोड़ी कह रहा हूं। वहां भी लाला की सेवा रिपीट नहीं होगा, रिपीट हुआ तो ससुराल में भी नहीं रहना चाहिए। चलो हो गई स्वागत। यहां जी देखिए, नितनु तन आदरु अधिकारी, नितनु तन आदरु अधिकारी, दिन प्रति सहस भांति नवीन आदर कितना अधिक 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 अधिक। बरात यूं नहीं रुकी, नित्य नवीन आदर हो रहा है, नित्य नूतन आदर हो रहा है। कोई कहे महाराज यदि घर में केवल आलू ही हो तो कैसे बदला जाएगा? आलू के कम से कम 15 प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते। देखो भैया, भोजन नहीं बोलता है, हमारा प्रेम बोलता है। रहीम बाबा ने कहा ना, जो परसे मन लाए। आलू का भुरता बना लो, आलू का भुजिया बना लो, आलू का वो दम होता है दम बना लो, हो गया। आलू मेथी बना लो, और कहो कोफ्ता बना लो, आलू का हलवा बना लो, आलू में टमाटर दुई ठे मटर डाल दो, आलू मटर ओ हैं झोल बना लो। वाह वाह क्या बात है, आलू का झोल बना लो। कथा में बहनें जो आई होंगी वो पहले बना के आई होंगी, फिर रोटी दाल रोटी सब्जी बनाना होगा, रोटी बनाना होगा, सब बराबर है सब व्यवस्था। तो ये 7 तो ऐसे हो गया, 15 भरवा बना लो। लूर होए तो गुरो का हलवा चकाचक हो जाता, लूर ना होए तो हलवा का लो लपसी बनाई डाले थे। हा हा हा, बनावे वाला खाई कि पंडित महाराज कही। कल बनवाया था परसों भंडारी सारी भगवान, ओहो नारायण। भाव कहने का ये है, हमारे अंदर प्रेम होना। अरे पकौड़ी रह गई, भजिया बना लो, एक आई आलू, 9 व्यंजन बन गया। बनाने वाले में प्रेम हो तो कुछ भी बना लो, न बनाने वाले तो वही आलू का साग कस के मसाला घोरी दो, जल्दी भागे भलाई टले। तो भैया नित्य नूतन अर्थात व्यंजनों का प्रेम है, स्वागत का प्रेम है, आंख में प्रीति, दिन प्रति हजार भांति पहुनाई आदर हो रहा है।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।